नमस्कार, मेरा नाम राजेश। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। अभी की सबसे बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है। समस्तीपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। समस्तीपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले स्वर्ण व्यवसायी के घर से हुए चांदी लूट में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटा गया चांदी भी बरामद कर लिया गया है। समस्तीपुर की एसपी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना को अंजाम देने का मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस इनके पास से जो चांदी रिकवरी की है वो उसे ये बेचने ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और सारी चांदी को भी रिकवरी कर ली गई है। सिंगिया घाट पे रंजीत कुमार के द्वारा एक सूचना दी गई थाना को कि उनके घर में कुछ लोग घुसे और वो ये स्वर्ण व्यवसायी का काम करते हैं, कि उनके जो चांदी के जेवरात थे वो लूट के ले गए हैं। तो एक बोलेरो गाड़ी से आए थे और उनके घर वालों को बंधक बना के गहने लूट के ले गए हैं, 2 मोबाइल भी लूट के ले गए हैं। इसमें टीम हमारे डीएसपी रुसड़ा के नेतृत्व में गठित की गई। तो उसी में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि ये मुजफ्फरपुर का एक क्रिमिनल का नाम आया, चंदन का। तो उसी अमन का नाम आया, उसको मिठनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तो उसके पास लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ। फिर उसी का जब उसको पूछताछ किया गया तो उसने बाकी लोगों का नाम बताया, जिसमें चंदन कुमार, मिथुन साह और राजकुमार, उसकी निशानदेही पे गिरफ्तारी हुई है। और इन्हीं की निशानदेही पे जो 15 किलो लूटा हुआ चांदी था, 15 किलो ही लूटा था, तो 15 किलो लूटा हुआ चांदी बरामद किया गया। एग्जैक्टली 15 kg चांदी है, चल रही है। इसमें जो अमन सिंह है, जो मिठनपुरा से गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ पहले भी मिठनपुरा मुशहरी थाना अंतर्गत आर्म्स एक्ट में ये जेल में गया। मैं तब उस वहां पे मुजफ्फरपुर में थी उस टाइम जब इसको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया था। और जो चंदन कुमार है ये यहाँ पे डकैती के केस में घटों से ये भी जेल में गया था और अभी 1 महीना पहले ही छूट के ये आया है। तो और बाकी 2 लोग और हैं साथ में जो पकड़े गए हैं, इसमें एक वादी का साला भी है, उसी ने लाइनर का काम किया था इस केस में। तो 4 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जिसमें इनके पास से ये इनकी निशानदेही पे 15 किलो जो लूटा हुआ चांदी है वो बरामद हुआ है, और 3 मोबाइल इनसे बरामद हुए और एक लूटा हुआ मोबाइल, ये लूटा हुआ मोबाइल है जो वादी का है वो बरामद हुआ है।